आज रामबाग पैलेस दरभंगा में महाराज धीराज राज्यसभा सदस्य उद्योगपति शिक्षाविद एवं मिथिलांचल के चहेता महाराज धीराज सर कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती उनके पौत्र कुमार कपेश्वर सिंह द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर दरभंगा जिला के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि महाराज का अभूतपूर्व योगदान मिथिलांचल के साथ साथ इस देश को मिला है, जिसे भूल पाना सदियों तक मुश्किल होगा। मुझे यहां आकर उनके विषयों में जानने का जो मौका मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि रेल, विमान, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई परियोजनाओं जैसे पत्र पत्रिकाओं में उनका सराहनीय कदम रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कार्यों की विवेचना उनके जयंती पर राज परिवार द्वारा किया जा रहा है। अपने पौराणिक अतीतों को सुनहरे शब्दों में बयां करना समाज के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि महाराज जहां दूरदृष्टि थे, वहीं मुझे लगता है कि उनका अपने समाज और राष्ट्र से काफी लगाव रहा, क्योंकि विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विमान तथा रेल का सुदूर क्षेत्र में लाना अपने समय का ऐतिहासिक कार्य रहा होगा। यही कारण है कि आज भारत सरकार को दरभंगा से विमान सेवा आरंभ करने में सहायता मिली है। अतिथि के रूप में शहर की महापौर श्रीमती वैजयंती खेरिया ने कहा कि महाराज द्वारा बनाई गई अनाथालय की स्थिति वर्तमान में अच्छी नहीं है, जिसे कुमार एवं हम लोगों के द्वारा इस पर सार्थक कार्य करने की जरूरत है। अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन जी, दरभंगा मेडिकल महाविद्यालय से श्री हरिशंकर जी, हमारे राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य और मेरे भ्राता कुमार रत्नेश्वर सिंह जी, शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार वर्मा जी, महाराज धीराज में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित उपस्थित दर्शकों, आज मेरे दादाजी की महाराज धीराज सर कामेश्वर सिंह जी की 114वीं जयंती के अवसर पर मैं एवं हमारा पूरा परिवार आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं सर, मेरे दादाजी सर कामेश्वर सिंह जी संविधान सभा के सदस्य भी थे और राज्य सभा के आजीवन सदस्य थे। वो बिहार हिंदू महासभा और मैथिल महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे। वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। मिथिलांचल के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे उद्योग लगाए, जैसे रामेश्वर जूट मिल, अशोक पेपर मिल, दरभंगा शुगर मिल, दरभंगा एविएशन, आर्यावर्त इंजीनियरिंग इत्यादि। मोस्टली वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाते थे, जिससे कृषि और किसानों को फायदा हो। जयंती समारोह में ट्राइसाइकिल वितरण का कार्यक्रम राज परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। मुझे आमंत्रित किया गया है, उस आमंत्रण को स्वीकृत करते हुए मैं आज इन सबके बीच उपस्थित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो महाराजा का परंपरा है उसको कई सारे जानकारी हमें जानने को मिला, और उनके जो दरभंगा का, बिहार का, देश के विकास के लिए योगदान है, हर आपदा में या हर जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का आगे बढ़ाने में उसको याद करने का मौका मिला है, और कई सारे नई जानकारी भी प्राप्त हुआ है। तो मैं सबको, राज परिवार के और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और इस परंपरा को आगे रखने के लिए मुझे पूरा भरोसा है श्री कपिलेश्वर जी के जो नेतृत्व में इस परंपरा को आगे रखा जाएगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।